गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है आपका 31 जनवरी 2023 एंड आई एम योर होस्ट आशीष। डॉलर इंडेक्स अभी है 103.41। पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट यानी डॉलर इंडेक्स एक नैरो रेंज के अंदर में अटक गया है, मीन्स कंसोलिडेट कर रहे हैं and it's the range is on the higher side 103.80, on the lower side it's 103.00. aaj ke din mein FOMC rate decision se ek important event hai and followed by NFP data coming on Friday. so ye do important data going to decide the fate of डॉलर इंडेक्स इन कमिंग डेज। सो यहाँ पे ऊपर की तरफ अगर हम रेजिस्टेंस जोन को देखेंगे, विच इज ऑलरेडी एट 104.00 से 104.20 के बीच, एंड मेजर सपोर्ट ऑन द लोअर साइड 100.80 से 101.00, माइनर सपोर्ट एट 102.10 से 102.30 के बीच में, और एक इंक्लाइंड ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन के लो के नीचे क्लोज देगा एंड फॉलो थ्रो करेगा तो डॉलर इंडेक्स में एक अच्छा खासा डाउनवर्ड ट्रेंडेड मूव वी कैन एक्सपेक्ट। मेजर इवेंट्स सो वी नीड टू वेट एंड वॉच फॉर कॉन्फर्मेशंस। डॉलर रुपी करेंटली ट्रेडिंग एट 83.10। कंसोलिडेशन जारी है इन बिटवीन। कल तो और भी ज्यादा नैरो रेंज के अंदर में अटक गया था, यानी कंसोलिडेट कर रहे थे। सो एज ऑफ नाउ द छोटा रेंज, द स्मॉल रेंज इज 83.05 से 83.20 के बीच में, एंड मीडियम रेंज इज 83.05 ऑन द लोअर साइड एंड 83.20 से 83.30 ऑन द हायर साइड। सो RSI टर्म्स में कंसोलिडेशन जारी है। सो डॉलर रुपी में प्राइस एक्शन के हिसाब से भी कंसोलिडेशन जारी है। सो नथिंग न्यू हियर। सो फ्रस्ट्रेशंस, फ्रस्ट्रेटिंग टाइम फॉर डॉलर रुपी ट्रेडर्स। GBP डॉलर में कल एक पिन बार बनाया हुआ है, बट द लोकेशन इज इरेलेवेंट क्योंकि ये एक रेंज के अंदर में फंस गया है। ऑन द लोअर साइड 101.26 एंड ऑन द हायर साइड 102.80 जब तक इस रेंज को क्लियर नहीं करते हैं तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। शायद आज के FOMC रेट डिसीजंस के बाद ये रेंज के बाहर निकले। क्या ये ऊपर की तरफ निकलेगा या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा, ये हमें देखना है। सिमिलरली इन GBP INR जो रेंज है वो है आपका 104.7080 ऑन द लोअर साइड एंड 106.6080 ऑन द हायर साइड। इसके बीच में प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। जब तक इस रेंज के बाहर GBP INR ब्रेक आउट नहीं करते हैं तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। यूरो डॉलर कल के दिन में एक स्पिनिंग टॉप टाइप ऑफ कैंडल फॉर्म हुआ है, ट्राइंग टू कंसोलिडेट एट द लोअर बेस। यहाँ पे एक चीज देखने वाला है यूरो डॉलर पे। वीकली टाइम फ्रेम पे प्राइस इज ट्राइंग टू टेक सपोर्ट ऑन द सेंटर बैंड ऑफ द बोलिंजर बैंड, which is nothing but a 20 period moving average. That being the case, अगर euro dollar ये lower level पे consolidate कर जाते हैं, in such a case, first of all ये lower level पे consolidate कर जाते हैं, second इस trend line support के ऊपर close देते हैं, something like this. Something like this, in such a case, euro dollar, there are higher probability ki aapka euro dollar first may try to taste 1.09 1.0970 se 1.10
एज द फर्स्ट टारगेट, उसको भी अगर तोड़ देते हैं इन सच ए केस, इट मे मूव टुवर्ड्स 1.11 से 1.1150 लेवल्स. कंडीशंस वंस अगेन आई रिपीट, द डेली यूरो डॉलर प्राइस सेशन शुड कंसोलिडेट हियर एंड देन क्लोज अबव दिस ट्रेंड लाइन. ये इस स्टेप का एक कैंडल, और इस कैंडल के हाई के ऊपर जैसे ही सस्टेन करेगा यूरो डॉलर, देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज कि ये ऊपर की तरफ जाए. नीचे की तरफ जो प्रोबेबिलिटी है 1.0720 से 1.0750 इज गोइंग टू एक्ट एज ए सपोर्ट लेवल. यूरो आयनर इट इज ऑल्सो कंसोलिडेटिंग एट द लोअर एंड ऑफ द ट्रेंड. सो यहाँ पे क्लोज करने देते हैं, कंसोलिडेट करने देते हैं. एक बार अगर इस कंसोलिडेशन के बाद इस ट्रेंड लाइन जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल के साथ क्लोज देते हैं, समथिंग लाइक दिस. इस टाइप का एक कैंडल फॉर्म होते हैं इन एंड इस ग्रीन कैंडल यानी बुलिश कैंडल के हाई के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं. इन सच ए केस देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि यूरो डॉलर में मूव टुवर्ड्स 91.20 से 91.30 एज द फर्स्ट टारगेट, उसके ऊपर भी सस्टेन करते हैं तो आपका 92.50 से 92.70 के तरफ जाने का हायर प्रोबेबिलिटीज है. ऑन द लोअर साइड वी नीड टू चेक द सपोर्ट लेवल. दिस इज द सपोर्ट लेवल, इट शुड नॉट डिस्टर्ब दिस लेवल. डॉलर येन कल के दिन में एक स्मॉल बॉडी डोजी कैंडल बनाया हुआ है एंड प्राइस काफी ज्यादा कंसोलिडेट कर रहे हैं. इंपॉर्टेंट इवेंट्स आर ऑल्सो देयर, इंपॉर्टेंट इवेंट है एफएमसी रेट डिसीजंस. क्या इसके बाद इस रेंज के बाहर निकल रहे हैं प्राइस? बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन, इसके नीचे अगर तोड़ देते हैं इन सच ए केस, आपका जो टारगेट होना चाहिए डॉलर येन वो होगा 144.7090. नेक्स्ट येन आयनर पे भी लोअर लेवल पे काफी ज्यादा प्राइस कंसोलिडेट कर रहे हैं. बेसिकली यहाँ पे हम एक W पैटर्न का इंतजार कर रहे हैं, समथिंग लाइक दिस. ये जो आपका W पैटर्न यानी आपका ये 24 जनवरी के हाई के ऊपर अगर क्लोज देते हैं एंड फॉलो थ्रू मिलते हैं, इन सच ए केस हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए दिस लेवल एंड सेकेंड टारगेट इज एक्सपेक्टेड टू बी दिस. तो इंतजार करना है. एंड डॉलर कैंडी पिछले हफ्ते में एक इन्वर्टेड पिनबार बनाया हुआ था, अभी इस रेंज के नीचे क्लोज दिया. डेली चार्ट में आप अगर देखोगे यहाँ पे एक एम पैटर्न है. दैट बीइंग द केस एम पैटर्न के कारण नहीं है, प्राइस एक्शन ऐसे बन रहे हैं कि एम पैटर्न बन चुका है, एम पैटर्न के कारण नहीं है, प्राइस एक्शन का जो स्ट्रक्चर है उसके कारण. There are higher possibilities dollar candy may move down towards 1.3250 as the M target. Aussie dollar price lower level पे consolidate कर रहे हैं. यहाँ पे हमें एक W का इंतजार है, उस W इस step का, उसके बाद ही एक अच्छा खासा price move हम expect कर रहे हैं. यहाँ पे इस W अगर मिलते हैं तो यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन मिलेगा ऑन द हायर साइड, विच मे टेक ऑसी डॉलर टुवर्ड्स दिस लेवल एज द फर्स्ट टारगेट. क्या लेवल है? 0.6710 से 0.6730. नेक्स्ट जो सेकेंड टारगेट होना चाहिए वो है आपका दिस लेवल, विच इज 6850 से 6870 की. आप देखोगे यूरो डॉलर में भी हमारा हायर एक्सपेक्टेशन से, यूरो आयनर में भी हमारा हायर एक्सपेक्टेशन से, देन डॉलर येन में एक
प्रोबेबिलिटी है कि नीचे की तरफ जा सकते हैं, $80 ऊपर की तरफ जाने का प्रोबेबिलिटी से, ये सब देख के ऐसा लग रहा है जो आपका एफएमसी रेट डिसीशंस आने वाले हैं, देयर मे बी हायर प्रोबेबिलिटी, देयर मे बी दैट द एफएमसी रेट डिसीशंस विल बी डॉलर नेगेटिव। सो ये एक अंदर से एक फील हो रहे हैं। देखते हैं आज रात के एफएमसी के बाद क्या होते हैं। अभी ये सीएनएच भी आपका प्राइस करेंटली एट 7.18। सो हमें यहाँ पे इंतजार है सीएनएच टू स्ट्रॉन्गली क्लोज अबोव 7.20। इन सच ए केस ये आपका 7.24, 5070 की तरफ लेके जाने के लिए पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। अभी आते हैं ब्रेंट क्रूड फ्यूचर। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर में आप देखोगे 29 जनवरी को एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया हुआ है एंड कल के दिन में एक पिन बार बनाया हुआ है, पिन बार एट ए सपोर्ट लेवल। जनरल पिन बार एट द बॉटम होते हैं, डाउन ट्रेंड के बॉटम में अगर ये पिन बार मिलते हैं तो बहुत बढ़िया होते हैं, लेकिन ये आपका ये जो पिन बार बना है ये बना है आपका इस सपोर्ट के ऊपर। सो व्हाट नेक्स्ट में हमारा मेन हर्डल है इमीडिएट जो 84.30-80, नीचे की तरफ सपोर्ट है 81.30-80। इस रेजिस्टेंस को अगर ऊपर की तरफ तोड़ देते हैं, ब्रेक आउट करते हैं ऑन द हायर साइड, इन सच ए केस ब्रेंट क्रूड में मूव टुवर्ड्स 93.50 के तरफ। अभी आते हैं यूएस 10 ईयर ट्रेजरी में कल के दिन में एक नेगेटिव कैंडल फॉर्म हुआ है जो ट्रेंड लाइन के लो के नीचे क्लोज दिया हुआ है। यहाँ पे हमारा जो 26 जनवरी का लो था इसके लो के नीचे एक सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एम पैटर्न के कारण, एंड ट्रेंड लाइन के नीचे भी क्लोज दिया है। इन सच ए केस देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि आपका यूएस 10 ईयर ट्रेजरी में मूव लोअर टुवर्ड्स 3.9596। एक बार अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करते हैं इन सच ए केस जो हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 3.8081। यूएस टू ईयर ट्रेजरी में कल एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया हुआ है, मींस प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। प्राइस एक मेजर लेवल पे आके कंसोलिडेट कर रहे हैं। जब तक इसको ब्रेक आउट नहीं करते आइदर ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड, तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। एक बार अगर ब्रेकआउट कर देते हैं तो एक ट्रेंडेड मूव हमें मिल सकता है, पॉसिबली ऑन द डाउन साइड। सो करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये प्रेजेंटेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे अहेड। बाय बाय।